वैसे तो सारे त्यौहार हमें खुशियाँ देते हैं, एक दूसरे से प्यार करना सिखाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन त्यौहार की बात ही अलग है। ये भाई और बहन का त्यौहार है जिसमें वो याद करते हैं कि कैसे हम छोटे थे तो खूब मस्ती किया करते थे, तुम मेरा कोई सामान चुरा लेते थे, फिर मैं घर से पापा मम्मी से इसकी शिकायत किया करती थी। ऐसे बहुत सारे प्रसंग होंगे जो आज भाई बहनों ने आपस में शेयर किए होंगे। स्वागत है दर्शकों आपका, मैं हूं दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्साह और प्रेम से भाई बहनों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। शुक्रवार को भी बहनें बांधेंगी राखी। भाई को राखी बांधने जेल पहुंची बहनें हुई निराश। इस बरस भी नहीं हुआ सार्वजनिक आयोजन। खड़ी मालगाड़ी को मारी टक्कर, तीन वैगन पटरी से उतरे। किरोड़ीमल रेलवे साइडिंग में हुआ हादसा। और बारिश की झड़ी लगने से जनजीवन हुआ प्रभावित, अरपा का जल स्तर बढ़ा। आइए दर्शकों अब खबरों को देते हैं विस्तार। भाई बहन के अटूट स्नेह का पर्व रक्षाबंधन गुरुवार को हर्ष उल्लास और परंपरा पूर्वक मनाया गया। हर वर्ष की तरह सावन पूर्णिमा की तिथि पर बहनों ने रक्षा सूत्र से भाइयों की कलाई सजाई। रेशम की डोरी के से भले ही ये कच्चे धागे हों, लेकिन इसके पीछे का स्नेह अटूट और बेहद मजबूत होता है। भारतीय हिंदू संस्कृति में सभी रिश्तों को महत्व देने के लिए कई तरह के पर्व मनाए जाते हैं। भाई दूज के साथ रक्षाबंधन का पर्व भाई और बहन के अनूठे संबंध को और गहरा करने का पर्व है। भारत में रक्षाबंधन को लेकर पौराणिक और ऐतिहासिक परंपराएं हैं। सावन की पूर्णिमा को भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व गुरुवार को परंपरा के अनुसार धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन शुभ मुहूर्त में दिन भर भाइयों की कलाई पर राखी के रूप में बहनों का प्यार सस्ता रहा। प्रेम और विश्वास के अटूट बंधन के साथ ये त्योहार मनाया गया। राखी का फेस्टिवल ना साल में एक बार आता है, ये हमको बेसब्री से इंतजार रहता है इस फेस्टिवल का, लेकिन इस बार भद्रा होने के कारण हम लोग राखी का फेस्टिवल जो 11 से 12 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त में मनाए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे से मनाए हैं, लेकिन कुछ कुछ परेशानियां थी इसमें जो नहीं मना पाए हैं। और कुछ अब 9 बजे के बाद का भी मुहूर्त है रात का, तो 9 से सुबह अगले दिन 7 बजे का है, उसमें भी मनाएंगे कुछ लोग। और सब भाइयों को हम लोग राखी बांधे हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, सेलिब्रेशन मिला है। सावन मास के पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे सभी भाई बहन का त्यौहार मानते हैं। और सभी भाई अपने बहन के यहाँ राखी बंधवाने आते हैं और हर्षोल्लास से यह त्यौहार मनाया जाता है, प्यार भरा यह त्यौहार मनाया जाता है। सभी बच्चे बहुत खुशी खुशी इस त्यौहार को बहुत इंजॉय के साथ मनाते हैं। गुरुवार सुबह से हो रही बारिश ने हालांकि इस त्यौहार का रंग फीका करने की कोशिश की, लेकिन भाई बहन के प्यार को रोका नहीं जा सका। कोई ऑनलाइन तो कोई वीडियो कॉल के जरिए भी त्यौहार मनाया। दूर दराज स्थित भाइयों को बहनों ने राखी के साथ प्रेम और आशीर्वाद भेजा, तो भाई अपनी बहनों से मिलने उनके घर तक पहुंचे। छोटे छोटे बच्चों में इस पर्व को लेकर खूब उत्साह देखा गया। आरती, तिलक और मिठाई के साथ बहनों ने जहां भाइयों की कलाई में राखी बांधी, वहीं भाइयों ने हमेशा रक्षा करने का वचन देते हुए उपहार दिया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र कोहली के साथ नीरज शर्मा की रिपोर्ट। जग से निराली हो आँखों के तारे हो, जग से निराली हो आँखों के तारे हो, तेरी राजकुमारी में
की पुड़िया हूँ, नन्ही सी गुड़िया हूँ। गुरुवार को भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया गया। सुबह से ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी और ये क्रम जो है वो दिन भर चलता रहा। कई बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए मायके जाती हैं, वो भी जाती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से परिवहन के संसाधन जैसे ट्रेन और बसों में भारी भीड़ देखी गई। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में भी यात्रियों की भीड़ दिखाई दी। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर बाजार में राखी और मिठाई की दुकानों में खूब भीड़ रही। भाइयों को राखी बांधने के लिए बहनें बसों और अन्य वाहनों से सुबह से ही निकल पड़ी। वहीं दो दिन रक्षाबंधन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति भी देखी गई। रक्षाबंधन पर्व पर भद्रा का साया होने के कारण कहीं गुरुवार को तो कहीं लोग शुक्रवार के दिन पर्व मना रहे हैं। गुरुवार को रक्षाबंधन त्योहार को लेकर राखी और मिठाई की दुकानों में बहनों की भीड़ रही। सोने बाजार में रक्षाबंधन त्योहार ने रौनक ला दी है। इस पर्व को लेकर भाई बहन भी गिफ्ट की खरीदारी करते नजर आए। एक तरफ बहनें जहां भाइयों को राखी बांधने के लिए राखियां खरीद रही थी, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन गिफ्ट को लेकर दुकानों में खरीदारी करते दिखे। इस बार बाजार में राखी की दुकानों पर पहले की तरह अलग अलग प्रकार की राखी का बहुत क्रेज नहीं दिखा। इस बार सस्ते और साधारण किस्म की राखियों की बाजार में खूब मांग रही। मिठाई विक्रेताओं का कहना है कि इस पर्व में मिठाई शुभ मानी जाती है, जिसको लेकर सभी दुकानदार पूर्ति करने के लिए दो दिन पहले से ही बाजार सजा चुके हैं। जिन बहनों को अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए दूर जाना था, वे बस स्टैंड पर दिखाई दिए। वहीं सड़कों पर बाइक से भी लोग अपने गंतव्य को जाते देखे गए। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ भूपेन सिंह राठौर की रिपोर्ट। इधर ठेकेदार की लापरवाही के कारण निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जानो माल का कभी भी नुकसान हो सकता है। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बारिश का पानी जमा हो गया है, जिससे आसपास लगे पेड़ और स्विमिंग पूल के ढहने का खतरा बना हुआ है। बारिश का पानी भरने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य बीच में रोकना पड़ा है। 27 खोली मार्ग में स्विमिंग पूल के पीछे दो मंजिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। अभी केवल बेसमेंट तैयार हुआ है। मनमाना काम करने पर ठेकेदार को कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने आड़े हाथों लिया था। बारिश का मौसम देखकर भी काम में तेजी नहीं लाने और नक्शे के विपरीत निर्माण करने पर ठेकेदार आलोक अग्रवाल को पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और महापौर रामशरण यादव ने मौके पर खूब खरी खोटी सुनाया था। बावजूद इसके लापरवाही के चलते बेसमेंट में पानी भर गया है, जिससे बाउंड्री वॉल, सीढ़ी सहित आगे सभी तरह का निर्माण अवरुद्ध हो गया है। निर्माण स्थल के आसपास पुराने पेड़ के गिरने का खतरा बढ़ गया है। यही हालात बच्चों के स्विमिंग पूल का है, इससे यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बंदी भाई को राखी बांधने आई बहनों को जेल प्रबंधन ने मायूस लौटा दिया। दरअसल कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार भी जेल परिसर में रक्षाबंधन त्योहार रद्द कर दिया गया। इसकी जानकारी नहीं मिलने पर बहुत सी बहनें यहां रक्षा सूत्र लेकर पहुंच गई थी। जेल में निरुद्ध बंदी भाई की कलाई सजाने आई बहनों को निराश होना पड़ा। कोविड प्रोटोकॉल का हवाला देकर इस साल भी प्रबंधन ने जेल के भीतर रक्षाबंधन त्योहार आयोजित करने से मना कर दिया। पर्व से कुछ दिन पहले ही जेल की दीवार पर नोटिस चस्पा कर प्रबंधन ने इसकी सूचना दे दी थी। जिले के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले परिजन सूचना के अभाव में रक्षाबंधन के दिन जेल पहुंच गए। खासतौर पर जेल में बंद भाई को रक्षा सूत्र बांधने आई बहनों का ये अरमान पूरा नहीं हो पाया। हाथों में राखी और मिठाई का डिब्बा लेकर जेल के मुख्य द्वार पर खड़ी महिलाएं बारिश के पानी में भीगती रही। एकमात्र रक्षाबंधन पर्व वह अवसर होता है जब जेल परिसर में निरुद्ध अपने भाई को गले लगकर बहन उसे जी भर देख सकती है, अपने हाथों से राखी बांध कर मुंह मीठा करती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हालांकि यहां पहुंची बहनों से जेल प्रबंधन ने राखी और मिठाई लेकर उनके भाइयों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों में संचालित होने वाले पूछताछ केंद्र का नाम बदलकर सहयोग कर दिया गया है।
जोन के सीपीआरओ साकेत रंजन ने बताया कि तीनों रेल मंडलों के प्रमुख स्टेशनों पर पूछताछ केंद्र के नाम को परिवर्तित कर सहयोग कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यात्री गाड़ियों के आवागमन और प्लेटफॉर्म कोच पोजीशन आदि की जानकारी के लिए यात्री सहयोग खिड़की से वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे सही जानकारी रेल नेट टर्मिनल के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जा रही है। रिवर व्यू में रेल मंडल के आरपीएफ बैंड ने देशभक्ति गीतों की धुन बजाकर शहरवासियों को भाव विभोर किया। कार्यक्रम में बिलासपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक सहाय, श्रीमती सहाय, बिलासपुर जोन के रेल सुरक्षा आईजी एएन सिन्हा, डीआईजी भवानी शंकर, मंडल सुरक्षा आयुक्त ऋषि कुमार शुक्ला, श्रीमती शुक्ला, नगर निगम कमिश्नर अजय त्रिपाठी, डीएफओ कुमार निशांत, आलोक जेना, विवेक शर्मा, आरपीएफ पोस्ट प्रभारी भास्कर सोनी उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शहीदों के सम्मान में बैंड के 13 सदस्यों ने दिल को रोमांचित कर देने वाली धुन सुनाई। देशभक्ति से सराबोर गीत सुनकर उपस्थित सभी मंत्रमुग्ध हो गए। बैंड दल ने अपनी खूबसूरत प्रस्तुति से दर्शकों को यहां पूरे समय बिठाए रखा। सिम्स के पास जो चौपाटी है रिवर साइड अर्पर नदी के पास एक बहुत ही शानदार आरपीएफ का जो बैंड है हमारा वो एक अच्छी प्रस्तुति दे रहा है और जो जितने भी पैट्रियोटिक गाने हैं जितने भी देशभक्ति से रिलेटेड गाने हैं उनको गाया जा रहा है और बिलासपुर की जनता जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आज यहाँ पे याद कर रही है। बिलासपुर रेल मंडल के रायगढ़ किरोड़ी मल रेलवे साइडिंग में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। साइडिंग के रेल लाइन में खड़ी मालगाड़ी को पीछे से एक अन्य मालगाड़ी ने टक्कर मार दी जिसके चलते खड़ी मालगाड़ी की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गई। रायगढ़ शहर के नजदीक किरोड़ीमल नगर के पास दोपहर में साइडिंग में बड़ी दुर्घटना हो गई। रेल लाइन में खड़ी मालगाड़ी को पीछे से ही एक मालगाड़ी के इंजन ने ठोकर मार दी। मालगाड़ी के डिरेल होने की सूचना जब रेलवे के अधिकारियों को लगी तो मंडल से लेकर जोन ऑफिस तक हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बिलासपुर से राहत और दुर्घटना यान को रवाना किया गया। वहीं बिलासपुर रेल मंडल के अधिकारियों का दल भी घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। बिलासपुर और रायगढ़ रेलवे स्टेशन में रोजाना की तरह गंतव्य जाने के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों की मौजूदगी थी। इसी बीच एकाएक स्टेशन में हूटर बज उठा। जब तक यात्री को समझ पाते तब तक अधिकारी कर्मचारी दौड़ने भागने लगे। वहीं जब मालगाड़ी डिरेल होने की जानकारी मिली तो वे सहम गए। रेल ट्रैक के मध्य में अन्य लाइन भी थी लेकिन मेन लाइन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने से रेलवे प्रबंधन ने राहत की सांस ली। जेएसपीएल साइडिंग है, एक स्टेशन है वहाँ किरोड़ी बलनगर का आगे, वहीं पर हुआ है डिरेलमेंट। हुआ है 3 वैगन डिरेल हो गया है, इंजन डैश किया है, पीछे से मालगाड़ी खड़ी थी उसी में डैश किया, 3 वैगन डिरेल हुआ है, बस अप डाउन मूवमेंट चालू है। बिलासपुर से जब राहत और बचाव की टीम घटनास्थल पहुंची उसके बाद मालगाड़ी की बोगियों को पटरी में लाने और दूसरे मरम्मत कार्य शुरू किया गया। इस हादसे में रेलवे को जनहानि जरूर नहीं हुई मगर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। हादसा कैसे हुआ, इसमें किसकी गलती है, इसकी जांच आने वाले दिनों में रेल के अधिकारी करेंगे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेन सिंह राठौर की रिपोर्ट। जोनल स्टेशन के सहयोग केंद्र में एक एसी तक को रेलवे अधिकारी चालू नहीं कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से ये बिगड़ा हुआ है। कमरा गर्म होने के कारण लगे इलेक्ट्रिक उपकरण ठीक तरह से काम नहीं करते। इसके अलावा अधिक गर्म होने के कारण तकनीकी खराबी भी आ रही है। हाल ही में रेलवे पूछताछ केंद्र का नाम बदलकर सहयोग केंद्र किया गया है पर नाम के अनुरूप यात्रियों को सुविधा नहीं मिल रही है। दरअसल बिलासपुर रेलवे स्टेशन में ये व्यवस्था है कि पूछताछ केंद्र से ही सफेद व लाल रंग डिस्प्ले बोर्ड अपडेट होता है। इसके अलावा
ट्रेन व कोच इंडिकेशन बोर्ड के संबंध में प्लेटफॉर्म पर जो भी जानकारियां यात्रियों को मिलती हैं, वह भी पूछताछ केंद्र में बैठे कर्मचारियों की वजह से है। पूछताछ केंद्र में 7 से 8 मशीनें हैं, सभी एक साथ 24 घंटे चलती हैं। दिन रात चलने के कारण मशीनें गर्म हो जाती हैं, जिससे पूछताछ के अंदर गर्मी बढ़ जाती है। इस वजह से उपकरण जितनी गति से काम करने चाहिए नहीं करते। इसके कारण ट्रेनों के आगमन से प्रस्थान समेत अन्य जानकारियां अपडेट करने में दिक्कतें होती हैं। ये परेशानी जानते हुए भी रेल प्रशासन ने पूरी गर्मी में एसी को नहीं बनवाया। अभी भी स्थिति यथावत है। एक एसी को ठीक कराने या नए लगाने में रेल प्रशासन की अनदेखी समझ से परे है। ऐसा नहीं है कि रेलवे के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी ना हो, पर फिर भी इसे चालू नहीं किया जा रहा है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। शहर में यातायात का दबाव बढ़ने से तिफरा की ओर जाम की समस्या आम हो गई है। इससे लोग खासे परेशान हैं। गुरुवार राखी के दिन दोपहर में करीब 1:30 बजे फ्लाईओवर जाम रहा। दरअसल तिफरा DPS स्कूल के पास दोनों ही ब्रिज का समापन होता है। यहीं से यदुनंदन नगर के लिए रास्ता भी जाता है, जिसे क्रॉस करने के नाम पर जाम में फंसने से बचने के लिए एक दूसरे के जो वाहन हैं वो ओवरटेक होते हैं और ब्रिज से निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसे में ब्रिज पर वाहन एक दूसरे से उलझ जाते हैं और देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इधर जाम की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सड़क जो है वो क्लियर कराया। शहर में हुई हल्की बारिश से घटिया रेस्टोरेशन खोलकर सामने आ गया। वेयर हाउस रोड में संजीवनी हॉस्पिटल मोड़ के पास बने सरकारी आवास के सामने सड़क धस गई। दरअसल इस सड़क में सीवरेज का काम होने के बाद आनंद फानन में रेस्टोरेशन किया गया था, जिसके बाद अब इसे स्मार्ट सड़क के रूप में तब्दील किया जा रहा है। यही कारण है कि कमजोर बनाई गई सड़क ने बारिश होते ही सीवरेज कंपनी द्वारा किए गए काम की पोल खोल दी। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्साह और प्रेम से भाई बहनों ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। शुक्रवार को भी बहनें बांधेंगी राखी। भाई को राखी बांधने जेल पहुंची बहनें हुई निराश। इस बरस भी नहीं हुआ सार्वजनिक आयोजन। खड़ी मालगाड़ी को मारी टक्कर, 3 वैगन पटरी से उतरे। किरोड़ी मल रेलवे साइडिंग में हुआ हादसा। और बारिश की झड़ी लगने से जनजीवन हुआ प्रभावित, अरपा का जल स्तर बढ़ा। तो ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों में। 2 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। ऊपरी इलाके से बहकर आते पानी से अरपा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद मौसम विभाग ने जिले में भारी वर्षा की संभावना से इनकार किया है। मानसून द्रोणिका के प्रभाव से बारिश जारी रहेगी, मौसम सर्द हो गया है। बुधवार रात से हो रही बारिश का क्रम गुरुवार सारा दिन चला, इससे शहर में कई स्थानों में पानी भर गया। रक्षाबंधन त्योहार के दिन सुबह 10 बजे तक बाजार नहीं खुले। सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम देखी गई। बादल अभी छाए हुए हैं। तापमान में सामान्य से 6 डिग्री की कमी आने से ये 24.5 पर आ गया है। इधर अरपा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पेंड्रा सहित पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश से नदी नाले लबालब हो गए। ओडिशा और संभाग के रायगढ़ जिले में बिगड़े मौसम का असर बिलासपुर जिले में हुआ है। शनिचरी रपटा पुल से अभी अरपा का पानी करीब 8 फीट नीचे बह रहा है। अगर बरसात जारी रही तो अगले 2 दिनों में शहर में हालात बिगड़ सकते हैं। उस स्थिति में निचले इलाकों समेत शहर के प्रमुख स्थानों गोलबाजार, पुराना बस स्टैंड, शनिचरी, जूना बिलासपुर में पानी भराव संभव है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बीती रात नशे की हालत में तेज रफ्तार कार चालक ने 2 अलग-अलग जगहों पर 2 लोगों को टक्कर मार दी। मिली जानकारी के अनुसार नेहरू चौक के पास साइकिल सवार बुजुर्ग को ठोकर मारी और उसके बाद कार चालक ने पान दुकान संचालक को रौंद दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है।
करीब डेढ़ माह के बाद कोरोना संक्रमण घटते क्रम में आने लगा है। बुधवार को 8 मरीजों की पहचान की गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग संक्रमण की दृष्टि से वर्तमान समय को संवेदनशील मानकर चल रहा है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। यह जिलेवासियों के लिए राहत की बात है। कोरोना संक्रमण जून के पहले सप्ताह में जोर पकड़ रहा था, इसके बाद लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन अब बीते 3 दिनों से संक्रमण गिरते क्रम में आ रहा है। बीते सोमवार और मंगलवार को 15-15 मरीज मिले, वहीं बुधवार को संख्या गिरकर 8 पर पहुंच गई है। बढ़ती महामारी के बीच ये राहत की खबर है। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी जिलेवासियों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने सलाह दे रहा है। इससे तेज गति से कोरोना महामारी को पूरी तरह से नियंत्रण में लाया जा सकता है। सहकारी केंद्रीय बैंक और उनकी समितियों की प्रॉफिट एबिलिटी क्या है, किसानों को कर्ज, धान खरीदी और उससे जुड़ी बातें समेत खाद्य और अन्य चीजों की जानकारी जुटाने बुधवार को नाबार्ड की टीम यहां पहुंची। बैंक के मुख्य लेखाधिकारी की कुर्सी पर बैठकर नाबार्ड अधिकारियों ने एक के बाद एक कई तरह के सवालों के जवाब लिए, उनके दस्तावेजों की जानकारी मांगी। वे सुबह से शाम तक यहाँ फाइल खंगालते रहे, स्थितियों का जायजा लेते देखे गए। सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्रीकांत चंद्राकर ने बताया कि नाबार्ड की टीम इस बात का अध्ययन कर रही है कि बैंक या समितियां लाभ में चल रही है या हानि में। इस बात की तस्दीक के लिए नाबार्ड की टीम यहां पहुंची थी। उन्होंने समितियों की स्थिति के अलावा खरीदी और परिवहन के बारे में भी जानकारी जुटाई। मुख्य रूप से नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का वैधानिक निरीक्षण उनको आवंटित हुआ था, तो वैधानिक था। इस दौरान संतुलन बिगड़ने से वो नाले में गिर गया, बाकी दोस्त बच निकले, रूपेश का पता नहीं चला। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने उसकी तलाश की है, लेकिन अब तक उसकी कोई खबर नहीं लगी है। भले ही भद्रा के कारण भाई बहनों के इस त्योहार में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ हो, लेकिन फिर भी उत्साह के साथ ये त्योहार पूरे शहर में मनाया गया। इसकी कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इस खबर के साथ ही दर्शकों, मुझे दीजिए विदा और आप सेलिब्रेट कीजिए राखी का त्यौहार। नमस्कार।